और इसी बात से काफी लोग परेशान है कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, हमारे वीडियोस पे व्यूज नहीं जा रहा है। इसलिए YouTube ने खुद यहाँ पे कुछ तरीके बताए हैं, जिन तरीकों को अगर आप इस्तेमाल करते हो, जो न्यू क्रिएटर हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो 100% सक्सेस की गारंटी है। बहुत लोग बोलते हैं YouTube का एल्गोरिथम ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है, लेकिन आज YouTube खुद ही बता रहा है कि YouTube का एल्गोरिथम काम कैसे करता है। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, आज के डेट में जितने भी लोगों ने YouTube पे अपना चैनल बना लिया है वो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उन्हें यही लगता है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं फिर भी जो है हम YouTube पे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, हमारे वीडियोस पे व्यूज नहीं जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टार्टिंग में कोई बाइक सीखते हैं या फिर कार सीखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, कौन सा ब्रेक है, कौन सा क्लच है, कौन सा गियर है, कब किसे दबाना है, कब किसे चलाना है, ये चीज़ें नहीं पता होती, तब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती हैं। लेकिन दोस्तों एक बार आप बाइक चलाना सीख जाते हो या कार चलाना सीख जाते हो तो उसके बाद आपको बिल्कुल ही आसान लगता है, मतलब कि बाइक या कार पे बैठे और बस स्टार्ट किया और चल दिए। तो यही फर्क है दोस्तों YouTube में भी, जब आप YouTube पे अपना चैनल बना लेते हो स्टार्टिंग में तो आपको चीजें बहुत मुश्किल लगती हैं, और जिन चीजों को आप करते हो वो बहुत मुश्किल से कर पाते हो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती है, बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती है, टेक की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती है, तब आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती हैं, और उन चीज़ों को जब आप करते हो तो आपको अंदर से लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो आप अपने तरीके से कर रहे हो, YouTube की तरफ से आप नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप YouTube के ढंग से मेहनत करना शुरू कर दोगे उस दिन आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी बात से काफी लोग परेशान है कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, हमारे वीडियोस पे व्यूज नहीं जा रहा है। इसलिए YouTube ने खुद यहाँ पे कुछ तरीके बताए हैं, जिन तरीकों को अगर आप इस्तेमाल करते हो, जो न्यू क्रिएटर हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो 100% सक्सेस की गारंटी है। और ये YouTube ने इसीलिए किया है कि YouTube को भी पता है कि बहुत लोग YouTube को ज्वाइन कर रहे हैं आज के डेट में, और बहुत लोग YouTube पे वीडियोस बना के पैसे कमाना चाहते हैं। तो YouTube ने क्या कहा है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में समझाऊंगा, और YouTube के तरीके से आपको वीडियो कैसे बनानी है वो यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन पे मैं अपने मोबाइल स्क्रीन को ले लेता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी मेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी मेल आईडी ओपन की है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूट्यूब क्रिएटर की तरफ से एक मेल आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, टॉप 10 मोस्ट आस्क क्रिएटर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे YouTube को पता है कि जो नए क्रिएटर होते हैं उनके सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल कौन से हैं, और उन्हीं सवालों का जवाब यहाँ पे YouTube ने इस मेल के द्वारा क्रिएटर को दिया है। मैं भी एक क्रिएटर हूँ और बाकी सारे क्रिएटर्स को भी ये मेल गया होगा, लेकिन इस मेल में क्या लिखा हुआ है इस चीज़ को नए क्रिएटर नहीं समझ पाते हैं, और उसी चीज़ को समझाने के लिए आज की ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा कि YouTube के ढंग से आपको कैसे वीडियो बनानी है जिससे कि आप जल्द से जल्द सक्सेस हो पाएंगे, आपके वीडियो पर व्यूज आ पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, यू हैव गॉट क्वेश्चन हियर आर द आंसर। यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं और YouTube ने इसका आंसर भी दिया है। अब दोस्तों YouTube पे आपको ग्रो होना है, YouTube खुद आपको ये आंसर दे रहा है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, हाउ डू आई ग्रो माई चैनल, सबसे ज्यादा यूट्यूबर के पूछे जाने वाले सवाल है, सबसे ज्यादा जो न्यू क्रिएटर ज्वाइन करते हैं उनके पूछे जाने वाले सवाल हैं कि आप हम अपने चैनल को ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूट्यूब का जवाब सुनिएगा, द की इज टू मेक वीडियो डैट कैप्चर्स पीपुल अटेंशन एंड कीप देम कमिंग बैक फॉर मोर। मतलब कि YouTube यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको उस चाबी का इस्तेमाल करना है वीडियो बनाने के लिए, जिससे ज़्यादा से जो ज़्यादा लोग देखने पे मजबूर हो जाएं, और उसके बाद आपको कुछ और वैसी ही वीडियो बनानी है जिससे कि वापस से वही लोग आपकी उस वीडियो को देखें। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वीडियो अच्छी बनाई जो मैंने बताया कि YouTube पे व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, वो आपने देखा, और उसके बाद जो मैंने अपनी दूसरी वीडियो बनाई उसको भी आप देखने पर मजबूर हो गए, उस पर भी आपने क्लिक कर दिया। तो ये जो साइकिल होता है ना, ये एक की है जो आपको YouTube पे सक्सेसफुल बना सकता है। जरूर नहीं है कि आपने एक वीडियो बना दिया, एक पे आपका वीडियो चल गया, वायरल हो गया, तो आप 100% ग्रो ही
कर जाओगे, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि एक वीडियो पे तो व्यूज चले जाते हैं लाखों दो लाख, लेकिन फिर वही दो चार दस पंद्रह बीस व्यू आना शुरू हो जाते हैं। तो YouTube यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको कंटेंट ऐसा बनाना है जो पहले तो वीडियो के लिए जो है पीपल को कैप्चर करे, पीपल को जो है मजबूर करे देखने पे, और उसके बाद आप जब दूसरा कंटेंट बनाओ तो उस पर भी लोग रिटर्न आए, मतलब वापस से देखें। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्न हाउ यू कैन ड्रा व्यूअर्स टू क्लिक एंड कीप देम वॉचिंग। मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है वीडियो बनाते समय कि आप ऐसा वीडियो में क्या डालेंगे कि आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक लोग वीडियो पे टिके रहे। बहुत सारी आपने ऐसी वीडियो देखी होगी, आप ही ने खुद बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसको लोग क्लिक करते हैं और तुरंत के तुरंत हटा देते हैं क्योंकि उस वीडियो से लोग बोर हो जाते हैं। तो आपको वीडियो में कुछ ऐसा रखना है, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि इंट्रो नहीं रखना है। इंट्रो अगर आप रखते हो तो बोर हो जाते हैं लोग, वीडियो को डायरेक्ट शुरू करना है। और वीडियो में जो आपके पॉइंट्स होनी चाहिए, जो बातें होनी चाहिए, जो चीज़ें होनी चाहिए, वो 100% मतलब यूनिक होनी चाहिए, लोगों को देखने लायक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घिसी पिटी चीज़ें बना रहे हो, बोरिंग चीज़ें बता रहे हो तो लोग स्किप कर देते हैं वीडियो से, नेक्स्ट वीडियो पे चले जाते हैं। और आपको भी पता है कि यूट्यूब पे आज के डेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अगर आप अच्छा कंटेंट नहीं बनाओगे तो आपके बदले में कोई और बाजी मार जाएगा और उसकी वीडियो जो है लोग देखना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ें पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद How do I make money on YouTube? पहला लोगों का सवाल होता है कि हम चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, और दूसरा सवाल होता है कि पैसे कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे जनरल सवाल है जो हर कोई पूछता है, हर कॉमन व्यक्ति जिसका चैनल है वो भी और जिसका चैनल नहीं है वो भी। अब यहाँ पे YouTube क्या कहता है कि पैसे बनाने के लिए YouTube पे आपको क्या करना होगा। यहाँ पे कहता है इट्स ऑल अबाउट योर ऑडियंस रीच। मतलब कि ये YouTube ने साफ कर दिया कि ये जितनी भी चीजें हैं वो आपके ऑडियंस रीच पे डिपेंड करती हैं। ऑडियंस रीच अगर आपकी अच्छी है तो आप पैसे कमा पाओगे, नहीं अच्छी है तो नहीं कमा पाओगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखता है, सी हाउ टू ग्रो योर टू अ लेवल डेट स्टार्ट अर्निंग यू मनी फॉर योर वैल्यूड एफर्ट। मतलब पहले आपको एक लेवल अचीव करना होगा, लेवल का मतलब यही है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लेना होगा, उसके बाद ही आप यूट्यूब पे अर्निंग कर सकते हो। और उसके बाद इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, मतलब कि अलग अलग तरीकों से भी आप पैसे कमा सकते हो मेरे भाई। मतलब कि आप स्पॉन्सरशिप से भी कमा सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी कमा सकते हो, लेकिन आपका चैनल पहले ग्रो हो जाना चाहिए। उसके बाद थर्ड इज हाउ डज द एल्गोरिथम वर्क। मतलब सब कोई पूछता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर एक यूट्यूबर के लिए कि एल्गोरिथम कैसे काम करता है। अब बहुत लोग बोलते हैं यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसे काम करता है वैसे काम करता है, लेकिन आज यूट्यूब खुद ही बता रहा है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम काम कैसे करता है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यहाँ पे लिख रहा है इट्स डिजाइन टू फाइंड वीडियोज दैट मैच व्यूअर्स। देखिए यहाँ पे पॉइंट आ गया ना कि ये ऐसा डिजाइन किया हुआ है जो अपने व्यूअर्स हैं उनके मैथ से रिलेटेड वीडियोज आती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप जब गूगल क्रोम में सर्च करोगे कोई भी टॉपिक अपना तो वहां पे पीपल आल्सो आस्क का ऑप्शन आता है। अगर आप योर क्वेरीज को वहां से उठाते हो, अगर कीज पॉइंट को वहां से आप उठाते हो, तो वहां पे गूगल आपको क्या कर रहा है कि पीपल आल्सो आस्क, मतलब लोगों ने यह सवाल पूछा है और आप उन्हीं सवाल का जवाब दे रहे हो, तो 100% आपके वीडियो पे रीच आएगी ही आएगी। वैसे ही देखिए यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, यूट्यूब खुद बता रहा है हाउ डज द एल्गोरिथम वर्क। इट्स डिजाइन टू फाइंड वीडियोज दैट मैच व्यूअर्स। मतलब ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये फाइंड करता है उन वीडियो की जो लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले वो देखता है कि लोगों ने सर्च क्या किया है, ज्यादा से ज्यादा लोग सर्च क्या कर रहे हैं, उसके बाद उनके होम पेज पे वही वीडियोस भेजता है। आपने हमेशा देखा होगा यूट्यूब पे जो चीजें आप ज्यादा सर्च करते हो उसी चीज से रिलेटेड आपको यूट्यूब के होम पेज पे वीडियो दिखाए जाते हैं। तो यही है यूट्यूब का असली एल्गोरिथम, और इसी एल्गोरिथम को यूज करके आपको यूट्यूब पे चैनल को ग्रो करना होता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मतलब कि जो लोग सिंगल भी कोई चीज सर्च करते हैं तो उनके इंटरेस्ट के बेस्ड पे एल्गोरिथम ऐसे काम करता है, जो वो इंटरेस्टेड है, जो वो सर्च कर रहे हैं, वही चीजें उनके होम पेज पे जाएंगी। अब देखिए क्लिक थ्रू एंड लर्न हाउ टू हेल्प द एल्गोरिथम मैच योर वीडियो विथ रिलेवेंट पीपल एंड आइडेंटिफाई व्हाट्स वर्किंग बेस्ट फॉर योर चैनल।
इसका मतलब यहाँ पे आप समझिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज लिखा हुआ है, क्लिक थ्रू एंड लर्न, मतलब कि सबसे पहले आप क्लिक कीजिए और लर्न कीजिए कि किस तरीके से जो है वीडियोस बनाई जा रही हैं, किस तरीके से यहाँ पे लोग वीडियो बना रहे हैं और क्रिएटर कैसे काम कर रहे हैं। उसके बाद हाउ टू हेल्प द एल्गोरिथम मैच, मतलब कि किस तरीके से मैचिंग हो रही है, किस तरीके से वीडियो बनाई जा रही है, तो कौन से लोग देख रहे हैं। उसके बाद आपकी वीडियोस विथ रिलेवेंट पीपुल, ठीक है। उसके बाद एंड आइडेंटिफाई व्हाट्स वर्किंग बेस्ट फॉर योर चैनल, और उसके बाद ये दिमाग लगाइए कि आपके चैनल के लिए बेस्ट काम क्या हो सकता है। और हर यूट्यूबर ऐसे ही ग्रो होता है, पहले वो देखता है, सीखता है अदर्स चैनल को, अलग अलग चैनल्स को देखता है, फिर उसके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि अच्छा ये चैनल ऐसे काम कर रहा है, ये चैनल ऐसे काम कर रहा है, तो इसके व्यूज जा रहे हैं, ग्रो कर रहा है, तो वो वैसे ही वही काम करना शुरू कर देता है। यूट्यूब के लिए कोई स्कूल यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं बनी हुई है, यूट्यूब से ही सीखो, यूट्यूब पर ही करो और यूट्यूब से ही कमाओ। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा जो है YouTube का, और YouTube आपको खुद बता रहा है ये तीन चीजें, इससे बेस्ट चीजें कुछ नहीं हो सकती हैं। तो इन चीजों को इंप्लीमेंट करें, आपका 100% चैनल ग्रो होने में हेल्प होगा। अगर ये जानकारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही YouTube रिलेटेड टिप्स देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।